हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग दो कोर्स ए के काव्यखंड का चौथा पाठ आत्मकथ पढ़ाएंगे। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इसका पहला वाला पाठ देखिए। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत लीलमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह सागर रीति। काव्यांश में मधुप कवि ने अपने मन रूपी भंवरे को कहा है। अपने मित्रों से आत्मकथा लिखने का आग्रह पाकर कवि दुविधाग्रस्त हो जाता है। उसका मन रूपी भंवरा गुनगुनाते हुए कहता है कि मैं अपने जीवन की कौन सी कहानी कहूँ, अर्थात मेरे जीवन में ऐसी कोई सफलता या उपलब्धि नहीं है जिसका उल्लेख करके कहानी को सुंदर बना सकूँ। मेरे जीवन रूपी उपवन में एक एक करके पत्तियाँ मुरझाकर गिरती जा रही हैं, अर्थात उसने जीवन में अनेक कष्ट सहे हैं। इन कष्टों के कारण उसके सपने एक एक करके मरते चले गए। इस असीमित आकाश में अनगिनत लोगों ने अपना जीवन वृत्त लिखा है। उसका परिणाम देखकर यही लगता है कि अपना उपहास विकृत रूप में स्वयं किया है, अर्थात अपनी दुर्बलताओं को सभी के समक्ष प्रस्तुत करके अपना मजाक स्वयं उड़ाया है। कवि अपने मित्रों से पूछता है कि यह सब जानने के बाद भी तुम सब चाहते हो कि मैं भी अपनी जीवन गाथा में अपनी कमजोरियों को उजागर करूं और अपना उपहास करूं। मेरे जीवन की गागर सूनी है, इसमें खुशी प्रदान करने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें बस दुख निराशा ही है। ऐसे जीवन की गाथा सुनकर कुछ नहीं मिलने वाला, अर्थात कोई सुख नहीं मिलेगा। दूसरा पार्ट देखिए इसका। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिल कर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि के मित्रगण जो उनसे आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे थे, कवि उनसे कहता है कि मेरी आत्मकथा में मेरे जीवन को दुख और निराशा युक्त देखकर कहीं तुम ये मत समझ बैठना कि इसका कारण तुम ही हो, अर्थात तुम ही लोगों के कारण मुझे इस तरह के दुख में दिन देखने पड़े। तुम ही लोगों ने मेरे जीवन का आनंद लेकर मुझे रसहीन कर दिया। कवि ने अपने जीवन को सरल ढंग से जिया है। उसी सरलता को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे सरलते, तुम्हारी हंसी उड़ाना मेरा दुर्भाग्य होगा, यद्यपि अपनी सरलता के कारण ही मुझे ये दिन देखने पड़े, फिर भी मैं इसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूँ। अब मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलों का उल्लेख करूँ या औरों द्वारा मिले छल कपट का, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे जीवन में थोड़े से सुखमय पल रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी के साथ मधुर चांदनी रातों में जो पल बिताए, उनको सबके समक्ष कैसे कहूँ? वे मेरी नितांत व्यक्तिगत बातें हैं। उन पलों में हम दोनों के बीच जो हंसते खिलखिलाते बातें हुई, उनको आत्मकथा में लिखकर सबके सामने कैसे लाऊं? उन्हें यूं प्रकट करना उचित नहीं होगा। लास्ट पार्ट देखिए इसका। मिला कहाँ वे सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अपने मित्रों के आग्रह पर उन्हें अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कवि कहता है कि जीवन में जिन सुखों की अभिलाषा की थी, वे सुख मुझे नहीं मिल सके। यह स्वप्न पूरे होते उससे पहले ही मैं जाग गया, अर्थात सुख पाना मेरे लिए बस सपना बनकर ही रह गया और मुझे जीवन के कठोर धरातल पर संघर्ष करने के लिए विवश होना पड़ा। यद्यपि ये सुख मेरे अत्यंत निकट थे, पर वे मेरे हाथ आते आते रह गए और मैं दुखी ही रह गया।
वह आगे बताता है कि उसकी प्रेयसी के गाल इतने लाल और सौंदर्यमय थे कि प्रेममयी उषा भी अपनी मनोहर सौंदर्य और लालिमा उसी से लिया करती थी, अर्थात उसका रूप सौंदर्य उषा से भी बढ़कर था। उसी प्रेयसी के साथ बिताए प्रेममय पल मुझ थके यात्री की जीवन राह का सहारा बने हुए हैं, जिनके सहारे मेरा जीवन चल रहा है। क्या तुम मेरे अंतर मन में समाये उन दुखों को मेरी आत्मकथा के माध्यम से देखना चाहोगे? तुम क्यों उन दुखद यादों को उभार कर मेरे घावों को हरा बनाओगे? इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। कवि यथार्थ को स्वीकार करते हुए कहता है कि अपने छोटे से जीवन में मैं बड़ी बड़ी कल्पित कहानियाँ कैसे कह सकता हूँ, मैं अपने साधारण से जीवन की साधारण बातों को बड़ा चढ़ाकर कैसे कहूँ। इससे बेहतर है कि मैं अपनी कहानी सुनाना बंद करके चुपचाप दूसरों की सुनता रहूँ। तुम लोग मेरी उपलब्धि रहित अत्यंत साधारण सी कहानी सुनकर क्या करोगे? उसमें ना रस लेकर कुछ सुनने लायक है और ना कोई प्रेरणा ग्रहण करने योग्य है जिससे तुम्हें प्रेरणा मिल सके। इसके अलावा मेरे जीवन के दुख दर्द निराशा आदि मन के किसी कोने में दबे पड़े हैं, इनको उभारने और हरा करने का अभी समय नहीं है, इसलिए मैं आत्मकथा लिखने में स्वयं को असमर्थ महसूस करता हूँ।